वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केपीके के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ की प्रायोरिटी लिस्ट के, के, के बारे में अगर आप केपीके के, के, के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि कौन से मेडिकल कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी और कौन से को बाद में प्रियॉरिटी देनी चाहिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसी देंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ आपके पिके के बारे में को कौन से मेडिकल कॉलेज को पर्स पेयरिटी पर रखना चाहिए उनकी फैसिलिटीज़ की वजह से उनके एकेडमिक की वजह से ये तमाम तर मालूम हमने उन स्टूडेंट्स से कलेक्ट की है जो इन तमाम मेडिकल कॉलेज में वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके हॉस्पिटल के बारे में उनके एकेडमिक के बारे में और इनकी पीएमडीसी के इंस्पेक्शन के बारे में तो इसी तरह हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है तमाम मेडिकल कॉलेजेस आप के पी के तो इस प्रायोरिटी लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप के पी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ में दाखिला कर सकते हैं तो आइए शुरू करती है आज की इस वीडियो को पिशावर मेडिकल कॉलेज पिशावर मेडिकल कॉलेज वर्सक रोड पेशावर पर वाक़ है ये कॉलेज दो हज़ार छः में प्राइम फाउंडेशन प्रोजेक्ट ने क़ायम किया था पिशावर मेडिकल कॉलेज पी मौजूदा पी से रजिस्टर्ड है पिशावर मेडिकल कॉलेज रिपा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एफिलिएट है मतलब पिशावर मेडिकल कॉलेज की एग्ज़ाम रिपा मेडिकल यूनिवर्सटी करवाती है और डिग्री भी वो देती है पेशावर मेडिकल कॉलेज की पेपर पैटर्न में पेपर के 100 मार्क्स होते हैं जिनमें से 45 फाइव एम की और 45 फाइव की होती है जबकि बाकी 10 मार्क्स उनकी इंटरनल असेसमेंट में काउंट होती है पेशावर मेडिकल कॉलेज पेशावर में नहीं बल्कि पूरी के पी के में वद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें एम बी बी एस की एक सौ पचास सीट्स है और ये सीट्स इसको फैसिलिटीज की वजह से दी गई है पीएमडीसी की 2018-19 इंस्पेक्शन में पिशावर मेडिकल कॉलेज ने 89 पॉइंट्स हासिल करके सेकंड पोजीशन पर था वाजह रही कि फ़र्स्ट पोजीशन पर खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज जो कि पब्लिक सेक्टर कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज है जबकि पेशावर मेडिकल कॉलेज 89 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर थे पिशावर मेडिकल कॉलेज के साथ तीन हॉस्पिटल एफिलियट है जिनमें से प्राइम टीचिंग हॉस्पिटल मर्सी टीचिंग हॉस्पिटल और क्वैत टीचिंग हॉस्पिटल शामिल है तमाम फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र नज़र रखते हुए पिशावर मेडिकल कॉलेज खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेज में से टॉप प्रायोरिटी पर है रहमान मेडिकल कॉलेज पेशावर रहमान मेडिकल कॉलेज पिशावर हयातबाद आबाद पेस्पाइप में वाक़ है ये कॉलेज 2002 में इस्टबलिश हुआ है रहमान मेडिकल कॉलेज एम से रिकॉग्नाइज है रहमान मेडिकल कॉलेज खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है उनकी एग्जाम केएमयू कंडक्ट करवाते हैं रहमान मेडिकल कॉलेज में एग्जाम मॉड्यूलर सिस्टम है और पेपर का पैटर्न कंप्लीट एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है एक पेपर में 120 एमसीक्यूज़ होती है और कोई एसी क्यूज़ यानि शार्ट क्वेश्चन नहीं होती रहमान मेडिकल कॉलेज का अपना हॉस्पिटल है जो कि अरिमाई के नाम से जाना जाता है यह हॉस्पिटल 500 प्लस बेड्स पर मुशतम है रहमान हॉस्पिटल का शुमार कैपी की वेल फेसिलटेड हॉस्पिटल में से होता है उनके मुताबिक दो लाख तेरह हज़ार प्लस पेशेंट पर ईयर यहाँ से इलाज करवाते हैं आर एम आई राउंड अबाउट कैपी के, के गोवे टॉप मेरिट कॉलेज के साथ कंपटीशन में है रहमान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बी बी एस के हंड्रेड सीट्स जबकि बी डी एस की फिफ्टी सीट्स हैं उनकी स्टूडेंट्स की फीडबैक और हॉस्पिटल की वजह से उनको पी के लास्ट इंस्पेक्शन में 85 परसेंट स्कोर दिया था और के के कै में थर्ड नंबर पर था आर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेकंड प्रायोरिटी पर है नॉर्थ वेस्ट मेडिकल कॉलेज नॉर्थ वेस्ट मेडिकल कॉलेज को नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है ये कॉलेज पिशावर में आर के साथ वाक़ है नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ़ मेडिसिन भी कैपी के के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है पीएमडीसी के लास्ट इंस्पेक्शन में नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ़ मेडिसिन ने 75 पॉइंट हासिल करके के पी के में फिफ्थ पोजीशन से कवर किया था नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ़ मेडिसिन में एमबीबीएस के 100 सीट्स है और उनकी बीडीएस का सेक्शन नहीं है नॉर्थ वेस्ट के साथ अपना अटैच हॉस्पिटल है जिसके 503 बेड हॉस्पिटल अटाउन कंसल्टेंट पर मुश्तम है इनकी आउट और इनडोर पेशेंट तकरीबन रहमान मेडिकल कॉलेज की सेम ये है तमाम फैसिलटीज़ को मद्दनज़र रखते हुए ये कॉलेज केपी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थर्ड प्रायोरिटी पर है फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एफ्टाबाद फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एफ्टाबाद में वाकई है इस कॉलेज की बुनियाद 1994 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रखी थी और ये कॉलेज कैपी कैपी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज में माना जाता है फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लोकेशन के लिहाज से और यहाँ के मौसम की वजह से भी काफ़ी फेमस है फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलियट है उनके पेपर का पैटर्न 45 फाइव फोर्टी फाइव और टेन इंटरनल असमेंट के मार्क्स होते हैं फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के साथ थ्री हॉस्पिटल अटैच है एक कॉलेज का अपना हॉस्पिटल शाहीना जमील टीचिंग हॉस्पिटल जो कि ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बेड हॉस्पिटल है सेकंड हॉस्पिटल फ्रंटियर डेंटल हॉस्पिटल वो भी शाइना जमील हॉस्पिटल में ही है और थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल डीएचक्यू मानसेरा है जो कि के किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल से भी जाना जाता है और ये हॉस्पिटल टू हंड्रेड एंड एटी फाइव बेड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल होने के वजह से उनकी भी आउट और इनडोर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होती है फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में हंड्रेड एम बी बी एस की और फिफ्टी बी डी एस की सीट्स हैं फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज नेपी एम डी सी के दो हज़ार अठारह इंस्पेक्शन में एटी फोर पॉइंट्स हासिल की थी और सूबे के तमाम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में उनका फोर्थ पोजीशन था फ्रंटियर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज केपी के, के, के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फोर्थ प्रायोरिटी पर है पाक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज पाक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जिसे पेम्स भी कहते हैं पिशावर में वाक़ है ये कॉलेज 2009 में इस्टबलिश किया गया था ये कॉलेज पी से, से रिकगनाइज है और के के साथ एफिलियट है इसका एग्जाम सिस्टम भी मॉड्यूलर है उनके साथ टू हॉस्पिटल है एक फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल जो कि 200 बेड हॉस्पिटल है और दूसरा पिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पेम्स है जो कि 360 बेड हॉस्पिटल है पेम्स में एम के हंड्रेड सीट्स और बी का उनका कोई सेक्शन नहीं है पाक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज केपी के, के, के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फिफ्थ प्रायोरिटी पर है कबीर मेडिकल कॉलेज कबीर मेडिकल कॉलेज पिशावर की एकेडमी टाउन में वाक़ है कबीर मेडिकल कॉलेज भी कैपी की फर्स्ट मेडिकल कॉलेज में से शुमार होता है ये कॉलेज 1994 में इस्टेबल हुआ है कबीर मेडिकल कॉलेज पीएमडी एम डी से रिकगनाइज है कबीर मेडिकल कॉलेज अपने ख़ुद की यूनिवर्सिटी गंदहारा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है उनके एग्ज़ाम भी गंदहारा कंडक्ट करवाती है उनके एग्ज़ाम का पैटर्न भी पिशावर मेडिकल कॉलेज और फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज जैसा है कबीर मेडिकल कॉलेज में एम बी के हंड्रेड सीट्स है स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि इस कॉलेज की डेंटल सेक्शन का नाम सरदार बेगम डेंटल कॉलेज है के पी के में ये कॉलेज डेंटिस्ट्री के लिए काफ़ी मशहूर है उसकी बड़ी वजह उसके हॉस्पिटल के पेशन सरदार बेगम डेंटल हॉस्पिटल के पेशन की वजह से है सरदार बेगम डेंटल हॉस्पिटल पिशावर में काफ़ी फेमस है यह वाहिद डेंटल कॉलेज है जिसके पास 75 फाइव की सीट है जबकि बाकी कॉलेज में बी की सीट 50 होती है कबीर मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच हॉस्पिटल में से नसीर टीचिंग हॉस्पिटल और टाउन टीचिंग हॉस्पिटल है उनकी डेंटिस्ट्री के लिए सरदार बेगम डेंटल हॉस्पिटल है उनकी फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कबीर मेडिकल कॉलेज कैपी कै के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सिकस्थ नंबर पर है स्वात मेडिकल कॉलेज स्वात मेडिकल कॉलेज स्वात में वाक़ है ये कॉलेज अभी रिसेंटली 2018 में स्टार्ट हुआ है पहले उनको फिफ्टी सीट्स दी गई थी अभी उनके पास हंड्रेड सीट्स है लोकेशन और मौसम की वजह से स्वात मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी फेमस है जैसा कि इस कॉलेज की अभी पहली पहली इयर्स है तो उनके स्टूडेंट्स के मुताबिक उनके एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ कॉपी कोऑपरेटिव है उनके साथ अटैच हॉस्पिटल स्वात मेडिकल कम्प्लेक्स जो कि 350 हंड्रेड बेड हॉस्पिटल है इसके अलावा टू आवर हॉस्पिटल लाल नूर हॉस्पिटल और अनवर हॉस्पिटल भी है लेकिन मेन हॉस्पिटल स्वात मेडिकल कम्प्लेक्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्वात मेडिकल कॉलेज सेवन प्रायोरिटी पर है voilà. मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसन पिशावर मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसन जो कि प्रीवियसली इसका नाम अलराजी मेडिकल कॉलेज था ये कॉलेज पिशावर मोटरवे के करीब दुरानपुर में वाक़ है ये कॉलेज पीएमडीसी से रजिस्टर्ड है और के के साथ एफिलियट है उनका एग्ज़ाम सिस्टम मॉडुलर है और उनके है। के, के उनके एग्जाम करवाते हैं एम सी एम के स्टूडेंट के मुताबिक उनके स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है और स्टूडेंट को स्टडी के साथ साथ और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसन के साथ उनका अटैच हॉस्पिटल मोहम्मद टीचिंग हॉस्पिटल है मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसन में एम बी बी एस के हंड्रेड सीट्स है और उनके बी डी एस का कोई सेक्शन नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ के पी के में मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसन एट नंबर पर है वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एफ्टबाद वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अबटाबाद में वाक़ है ये कॉलेज पे एम डी सी से रजिस्टर्ड है और केम यू के साथ एफिलियट है उनका भी एग्ज़ाम सिस्टम मॉडुलर है और के एम यू उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है वोमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जनाय इंटरनेशनल हॉस्पिटल एप्टाबाद के साथ जो कि 200 बेड हॉस्पिटल है और बेनज़ीर बट्टू एंड चल हॉस्पिटल के साथ एफिलिएट है इस कॉलेज में एमबीबीएस बी बी के हंड्रेड और बीडीएस डी एस की 50 सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अब कैपी कैम है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज नौ नंबर पर है एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एपटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में वाकई है ये कॉलेज पी एम के साथ रिकॉग्नाइज और के के साथ एफिलियट है ये कॉलेज भी मॉड्यूलर सिस्टम है और इनका एग्ज़ाम भी के एम यू कंडक्ट करवाती है इस कॉलेज के साथ अपना हॉस्पिटल इफ्टाबाद मेडिकल कम्प्लैक्स हॉस्पिटल है इस कॉलेज में एम के हंड्रेड और बी के फिफ्टी सीट्स है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट में ये कॉलेज टेन नंबर पर है डियर स्टूडेंट्स ये थे वो तमाम तफस खैबर पुल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में जो हमने आपके साथ शेयर की इसके अलावा हर एक मेडिकल कॉलेज पर मजीद डिटेल में एक एक वीडियो बनाई जाएंगी अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़